जमाना नाश करे, फख्र करे राज ऐसा था, कोई बदल नहीं सकता मिजाज ऐसा था, जो हाजरीन है उनको हसम नहीं होता। हुजूर ताजु शरिया का ताज ऐसा था, जो हाजरीन है हुजूर ताजु शरिया का ताज ऐसा था। इससे आप लोगों को यह लगता होगा कि शायद के ताजु शरिया कोई ताज रखते रहे होंगे। ये जुमला जो है, हुजूर ताजु शरिया का ताज ऐसा था, उनके पास कोई ताज नहीं था। अब ये सब पढ़ते हैं शेर, लेकिन माना मतलब नहीं समझते हैं। ताजु शरिया हुजूर अजहरी मियां के, एक मिनट एक मिनट, अभी हुजूर अजहरी में, अभी एक मिनट, हुजूर अजहरी मियां क़िबला जो हम सुन्नियों की जान हैं, आन हैं, बान हैं, उनका लकब था ताजु शरिया। उनके पास कोई ताज नहीं था, बल्कि उनका लकब था, टाइटल। तो इस हिसाब से कहा था, आप बातें मत बनाइए, बैठिए ना। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की तारीखें कितनी मुश्किल से मिलती है, सिर्फ 45 मिनट बचा हुआ है। कुल मिला करके पौन घंटा है, और मुझे लगता है कि 7-8 साल की उम्र में जितना कम वक्त आज मैंने लिया है, शायद कहीं लिया हो। कुर्बानी पे कुर्बानी दे रहा हूँ, वैसे भी सामने कुर्बानी ही है। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर आपको सुननी है, और बस एक शेर पढ़ूंगा, एक बार हाथों को उठा के कहने, या रसूल अल्लाह। अभी आप मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए। देखिए, इतनी बारिशों के बावजूद ये अंदाज, ये रंग, ये रोगन ये बता दिया कि यकीनन पच्छर के नौजवानों ने और हमारे ज़फीर भाई मोहसिन साहब, उलमाए किराम की मेहनतें, मोहब्बतें, यहाँ के यकीनन ये आपकी मोहब्बत के नतीजे हैं कि ये मंजर निगाहों के सामने है। हाथों को उठा के कह दे, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से हुजूर का नाम ले, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। रहा तो को उठा के एक बार कहने, या रसूल अल्लाह। बस दो शेर पढ़ूंगा, उसके बाद मुफ्ती साहब की आमद होगी। हमारे आफिसकार इस्माइल साहब क़िबला और डॉक्टर साहब क़िबला, देखिएगा, शेर के जमाना नाश करे, फख्र करे राज ऐसा था। जमाना नाश करे, फख्र करे राज ऐसा था, कोई बदल नहीं सकता मिजाज ऐसा था, जो हाजरीन है उनको हसम नहीं होता। हुजूर ताजु शरिया का ताज ऐसा था, जो हाजरीन है उनको हजम नहीं होता। नारा कब लगाइए, नारा। अच्छा, डर तो नहीं रहना, डर नहीं रहना, बस नारा मैं लगाता हूँ, इस अंदाज से लगाइए कि एहसास हो कि हम मोहब्बतों के शामियाने में, इश्क़ो वफा के माहौल में, कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। और मोहब्बत के साथ आप खड़े होकर सुन रहे हैं, कयामत के दिन ये जमीन गवाही देगी, मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी। और जब सुबह में जाएगा तो माँ का पैर दबाइएगा, माँ को कहिएगा, माँ मासी नहीं थी, लोग बैठ के सुन रहे थे, तेरे दूध की तासीर थी कि हम रात भर नबी का जिक्र खड़े होकर सुन रहे थे। मोहब्बत के साथ दिल लगाओ और हाथों को उठाकर, दीन पूरा मजमा अपने हाथों को उठाइए, मोहब्बत के साथ अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए, इस सोच के साथ कि एक वीडियो आपने देखी होगी, फलस्तीन की एक बच्ची ने सलाह दी थी कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है,
बोली फलस्तीनी बच्ची सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। राम वापस से हाथों को उठाइए, कोई हाथ नीचे न रहे, जो बुरे हैं उस नियत के साथ के कम से कम हौसला मिल जाए, दिल लगाइए, दोनों हाथों को उठाएं वापस से, पूरा मजमा हाथों को उठाकर, और अल्लाह की कबीराई सीने में जिनकी ताकत है उस ताकत से बुलंद करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत इस्लाम, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, इस्लामिया कमेटी सर जमीने पजहर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इन निशान के साथ हम्मदुल औलिया खलीफे हुजूर से मिल्लत अताए सरकारे ताजे शरीयत नाशिरे मुसलके आला हजरत बैदुल अक्लामी शोहरत याफ्ता खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद की आमद होती है कि अब सबर ही क्या है शेर बोलेगा। एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, अब सबर ही क्या है शेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, मुनाफिकों खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। जो शरिया का ताज ऐसा था, इससे आप लोगों को यह लगता होगा कि शायद के ताजु शरिया कोई ताज रखते रहे होंगे, ये जुमला जो है हुजूर ताजु शरिया का ताज ऐसा था, उनके पास कोई ताज नहीं था। अब ये सब पढ़ते हैं शेर, लेकिन माना मतलब नहीं समझते हैं। ताजु शरिया हुजूर अजहरी में आके, एक मिनट एक मिनट, अभी हुजूर अजहरी में, अभी एक मिनट, हुजूर अजहरी में या क़िबला जो हम सुन्नियों की जान हैं, आन हैं, बान हैं, उनका लकब था ताजु शरिया, उनके पास कोई ताज नहीं था बल्कि उनका लकब था, टाइटल। तो इस हिसाब से आप बातें मत बनाइए, बैठिए ना, आप बातें मत बनाए, बैठ जाइए, आप बैठ जाए, बातें न बनाए, इस्लाह को कबूल कीजिए, इस्लाह को कबूल करें। ताजु शरिया के पास कोई ताज नहीं था बल्कि उनका एक टाइटल था, और उनके इल्म की बुनियाद पर, उनके ज़ोहद और तक्वा की बुनियाद पर, दुनिया अहले सुन्नत में जो उनकी खिदमत थी उनकी बुनियाद पर यह टाइटल मिला था, लकब मिला था।